हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज असि न्यूमेरिकल करन जा रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट दी। अगर तुसी इहदियां प्रॉपर्टीज नहीं कीतियां पहला, पिछली वीडियो चेक कर लो, दैन असी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो न्यूमेरिकल केयरफुली रीड करो। शो दैट ए वैक्टर इज इक्व टू 2i कैप + j कैप + 2k कैप एंड बी वैक्टर इज इक्वस टू 2i कैप - 2j कैप एंड माइनस के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम इतने ध्यान रखना है इतने उन्होंने की क्या परपेंडिकुलर। सो असी प्रॉपर्टी कर चुके हैं, प्रॉपर्टी का की मतलब आ जो उन्होंने क्या परपेंडिकुलर। सो 90 कॉस थीटा की जगह पर असी की पुट करा 90। यदा मतलब ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वस टू की आएगा ए बी कॉस 90 डिग्री। वट इज़ कॉस 90? जीरो। जो जीरो ए बी ना मल्टीप्लाई करा तो जीरो ही आंसर आ जाएगा। यदा मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर सानू गिवन आ कि ए वैक्टर प्लस बी डॉट बी वैक्टर इज इक्वस टू जीरो। सो इस चीज़ का तुसी ध्यान रखना है, ठीक है। आ चीज़ तुसी पेपर या टेस्ट के नहीं करके आनी, जस्ट फॉर नॉलेज या जस्ट फॉर रिविजन थोनू यही चीज़ दसी आ, ठीक है। सो इतने थोनू गिवन आ कि दोनों की आ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदा मतलब ऑलरेडी गिवन आ ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर थोड़ा की आंसर आएगा जीरो। अगर जीरो आंसर आ गया इट मीनस बोथ वैक्टरस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाई चांस जीरो आंसर नहीं आया तो लास्ट में लिख देना ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डन। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू कितनी आ 2i कैप + j कैप + 2k कैप एंड बी की वैल्यू कितनी आ डॉट पाना नहीं भुलना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दे ही न्यूमेरिकल्स आ। हुण फिजिक्स दे विच डॉट दा मीनिंग आ, इट मीनस तुसी बिना मतलब ते किते डॉट नहीं लगाना और ये ना होवे पिछे भी डॉट लगा दो, ठीक है। पिछे डॉट नहीं लगाना, डॉट प्रोडक्ट सेंटर च आ रहा इट मीनस तुसी सेंटर दे विच ही लगाओगे, ठीक है जी। हुण असी एक रूल प्रॉपर्टीज दे विच पढ़िया सी आई डॉट आई इज इक्वस टू जीरो, आई डॉट आई इज इक्वस टू वन, ठीक है। सो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सिमिलरली जे डॉट जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सिमिलरली के डॉट के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो जो सेम सेम आ सिर्फ वो बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैप डॉट जे कैप इक्वस टू जीरो, जे कैप डॉट के कैप इक्वस टू जीरो एंड के कैप डॉट आई कैप इज इक्वस टू जीरो। सो ये प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हुण ध्यान दो, सब तो पहला इनू फस्ट दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, दैन सैकेंड दे नाल, दैन थर्ड दे नाल, ठीक है। सो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन चले जाएगी। सो तुसी आंसर दे विच सिंपली लिख सकते हैं जदों आई नू आई दे नाल मल्टीप्लाई किया, आई नू आई ना मल्टीप्लाई किया मतलब 2 2 4। इत्थे लिख देना है आई डॉट आई कैप। डन। सो देखो आई डॉट जे सानू पता कितना हो जाएगा 0, आई डॉट के कैप कितना हो जाएगा 0। सो नो नीड टू राइट हेयर, ठीक है। सो इनू लिखन की लोड नहीं है, ठीक है जी। सो सिमिलरली असी नेक्स्ट सॉल्व करन लगे हाँ जे नू आई दे नाल, जे नू जे ना एंड जे नू के दे नाल। सो देखो जे नू जदों के दे नाल मल्टीप्लाई करांगे क्योंकि जे डॉट आई के दे इक्वल आ 0 दे, ठीक है। सो जे डॉट जे बच जाएगा। हुण ध्यान दो जदों जे नू जे दे नाल मल्टीप्लाई करना प्लस माइनस माइनस, इत्थे 1 आ और इत्थे 2 आ, 2 1 2। सो इत्थे की आ जाएगा जे कैप डॉट जे कैप। डन। सो जे नू जदों के ना मल्टीप्लाई करांगे इट इज़ ऑलसो 0। सो जिहड़े 0 आ उन्हां नू लिखण दी जरूरत नहीं आ, ठीक है जी। हुण नैक्सट देखो के दी वारी, के नू आई दे नाल, के नू जे दे नाल, दैन के नू के दे नाल मल्टीप्लाई करना। सो वट इज़ के डॉट आई 0, के डॉट जे इज़ ऑलसो 0, के कैप डॉट के कैप। हुण देखो 2 नू -1 दे नाल मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, इत्थे आ गया के डॉट के कैप डॉट के कैप। नाउ 4 आई डॉट आई इक्वस टू 1, जे डॉट जे इज इक्वस टू 1 एंड के डॉट के इक्वस टू 1। फाइनली वी गेट 4 -2 -2।
डन। सो साडे को आ गया 4 माइनस 4, 4 ना 4 कैंसल, सो फाइनली वी गैट 0 आंसर। सो तुसी लास्ट दे विच लिखना है दस ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो यदा हाफ मार्क्स होएगा, सो आ लाइन लिख के जरूर आनी। अगर 0 आंसर आ गया तो परपेंडिकुलर है, अगर 0 आंसर नहीं आता तो परपेंडिकुलर नहीं है। थैंक यू।